हेलो पैथन प्रोग्रामर्स। तो देखिए, हमने जो अपने लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट 5 देख रहे थे, जिसमें हमने उसके काफ़ी पार्ट देखे। तो मैं देख लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मेरे यूट्यूब पर जाइए। आज से क्या करेंगे, हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाने जा रहे हैं अभी, इसमें हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे सीधे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो तक हमने प्रोजेक्ट 5 के हमने सारा फ्रंट एंड देख लिया था, जो उसके बेसिक नीड है। आज से उस प्रोजेक्ट का मकसद हम पूरा करने जा रहे हैं। तो मैं जैसे, अगर आपको मेरा चैनल सर्च करना है तो आप यहाँ पर डालिए पाइथन इज ईजी, इस तरह से आप डालिए बिना कोई स्पेस के, और मेरा चैनल देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये। इस पर क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल पे पहुँच जाओगे। इसमें हमने पार्ट 7 तक अपना प्रोजेक्ट 5 डाला है। आज हम पार्ट 8, ये आप वीडियो देख रहे हो पार्ट 8 की। तो इस तरह से आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, पार्ट 8 जो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हम सर्चिंग देखेंगे अपनी। तो मैंने अपने जहाँ प्रोजेक्ट अपने बनाते आया हूँ, लोकल डिस्क डी में, वहीं पे मैं बनाऊँगा जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। जो हमारा सर्चिंग का अब तक काम हो चुका है वही है। इसको मैं आपको लिंक दे दूँगा पूरे प्रोजेक्ट के, गिटहब लिंक, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, जहाँ तक हमने प्रोजेक्ट बना लिया, इसको मैं अपने वी एस कोड आई डी में खोलता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, इसको मैं ओपन विथ कोड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा पूरा ये ट्री स्ट्रक्चर मेरे वी एस कोड आई डी में खुल जाएगा। और मैंने शुरू से इसका यही यूज़ किया, और मैंने जेंगो 3 में सारे प्रोजेक्ट बनाए, बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी चल रहा है। तो ये चीज़ हमने देखी है अभी तक, और मैं इसको रन करके देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि तो थोड़ा गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रन सर्वर, ठीक है, मैंने इतना लिखा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इससे क्या होता है, आप जानते हो, सर्वर रन हो जाएगा, और मैं कंट्रोल बटन दबा कर इस पर लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्राउजर पर खुल जाएगा यहाँ पर। और ये मेरा यहाँ पर लैंडिंग पेज जो था, मेरा होम पेज, वो आ चुका है। इसमें हमने एक डेटाबेस ही बनाया था, जिसमें हमने रिकॉर्ड स्टोर किए थे 10-10, वो भी मैं देख लेता हूँ अपने। मैंने इसी लिंक को यहाँ पेस्ट किया और एडमिन लास्ट में इंक्लूड करके देखा, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ गया, मेरा ये लॉगिन हुआ हुआ है यहाँ पर। और ये कंपनी क्लास में 10-10 रिकॉर्ड होंगे दोनों में, 10 नहीं, जितने भी हमने किए थे उतने होंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि ये रिकॉर्ड थे हमारे पास, ये सारे रिकॉर्ड हमने स्टोर किया अपने लास्ट वीडियो में। ये चीज़ आपको समझ में आई है, और इनकी हमने फंक्शनलिटी भी कर ली थी यहाँ से। जैसे मैं अभी कोई डेटा एंटर करता हूँ, इसको मैं सबमिट करता हूँ, डी एफ मैंने किया, और देखना डी एफ प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें देख ली अपने लास्ट वीडियो में। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट। अब इस टाइम हम इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल आखिरी चरण में हैं, यानी अब इस प्रोजेक्ट की असली शुरुआत भी हम कह सकते हैं, जो अब हो रही है, जो हम सर्चिंग करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम सर्चिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। और ये जो दोनों टेबल में जो डेटा थे, मैं एक्सेल फाइल में स्टोर थे, मैंने पहले इसी में ही करे थे सारे डेटा, जिससे हम सर्चिंग करें तो आसानी रहे। तो ये डेटा एम्प्लॉय टेबल और कंपनी टेबल में इस तरह के डेटा हैं उनमें, और बिल्कुल सेम डेटा हैं सारे। तो इसको मैंने अभी मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब हम करने जा रहे हैं सर्चिंग। क्या सर्चिंग करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप, इसकी भी शायद 3-4 वीडियो आएंगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सर्चिंग करना सीखेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिस तरह की सर्चिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारी एम्प्लॉय क्लास जो थी, एम्प्लॉय टेबल हमारी ये वाली, इस टेबल में से कुछ डेटा सर्च करेंगे, लेकर आएंगे। तो हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, यानी हम छोटी छोटी सर्चिंग से लेकर बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सर्चिंग तक चलेंगे। किस तरह की सर्चिंग करेंगे, सारी चीज़ें आप देखोगे। हो सकता है जब मैंने इस प्रोजेक्ट की पहले वीडियो बनाई हो, उसमें मैंने इतनी सर्चिंग नहीं बताई हो कि किस तरह की सर्चिंग करेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी तरह की सर्चिंग हम करने वाले हैं। तो पहली सर्चिंग क्या करेंगे, जो सबसे प्राइमरी टास्क होता है, वो आपको ही पता है कि अगर जैसे हमने कोई डेटा स्टोर करा है डेटाबेस में, जैसे हमने इस टेबल का पूरा डेटा स्टोर कर रखा है डेटाबेस में, तो हम चाहते हैं इसको अपने एचटीएमएल पेज पर लाना। पहली सर्चिंग यानी सर्च करके लाओ एम्प्लॉय टेबल में जितना भी डेटा है। तो इसमें डेटा क्या है, ये जितने भी कॉलम मैंने अब सेलेक्ट किए, ये डेटा है हमारा कि ये एम्प्लॉय आईडी ये है, इसका नाम ये है, एज ये है, फोन ये है, सिटी है, इस तरह से हमारे कुछ एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है। इस पूरे डेटा को हमें अपने एचटीएमएल पेज पर लाना है। अब एचटीएमएल पेज पर लाना है मतलब हमें इस ये जो ब्राउजर का पेज है वहाँ पर लाना है। कहाँ पर लाना है, जब मैं एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगा वहाँ से लेकर आऊँगा, तो इसमें अगर मुझे डेटा लाना होगा तो मुझे कोई यहाँ पर डेटा देने की ज़रूरत नहीं है इसको, कि यहाँ से डेटा मैं एंटर करूँगा तो आएगा, है ना। यानी मुझे सिर्फ, अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसा करूँ कि व्यू एम्प्लॉय डेटा नाम का एक बटन बनाऊँ, उस पर जैसे ही क्लिक हो तो डेटा उठ के आ जाए मेरा सारा, जो एम्प्लॉय क्लास में, अभी डेटाबेस में जो ये एम्प्लॉय क्लास है इसके अंदर ये सारा डेटा है, और ये वही डेटा है जो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो मुझे ये जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है वाला, इसको मुझे अपने एचटीएमएल पेज पर लाना है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा इस जगह, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू एम्प्लॉय डेटा। अब जैसे उस बटन पर क्लिक होगा तो ये सारा डेटा उठकर व्यू एम्प्लॉय डेटा नाम के एचटीएमएल फाइल पर आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम सबसे पहला जो सर्चिंग है हमारी वो करने जा रहे हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ व्यू एम्प्लॉय डेटा, कि सारा डेटा उसको दिख जाए। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरी जो ये फाइल है, ये देखते हैं, ये मेरी फाइल है यहाँ पर सर्चिंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने टेम्पलेट में, और मैं जाता हूँ इसमें सर्चिंग एम्प्लॉय डॉट एच टी एम एल,
इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। और बटन बनाना है तो इसके लिए एक्शन एट्रीब्यूट भी चाहिएगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्म ही बनाता हूँ। और इसमें मैं लिखता हूँ व्यू एम्प्लॉई डेटा, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया व्यू एम्प्लॉई डेटा। इसमें मैं बटन बनाता हूँ इनपुट टैग की मदद मतलब से, टाइप सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है जो बटन के ऊपर है जो टेक्स्ट हमें दिखने वाली है, और वो दिखेगी हमें व्यू एम्प्लॉई डेटा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ ये आया बटन कि नहीं आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता नहीं आएगा, देखिए आ गया बटन। तो अभी हम सी एस एस अप्लाई इतनी नहीं करेंगे, अभी सिंपल हम करेंगे, हम क्या करेंगे कि जैसे इस बटन पर क्लिक हो एक नई एच टी एम एल फाइल पर वो रेंडर हो जाए और वहाँ पे वो सारा डेटा हमें दिख जाए। कौन सा डेटा? ये सारा डेटा, ये एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन है, सारे जितने भी एम्प्लॉई हमारे डेटा है इसमें सारा डेटा उठ के आ जाए। तो क्या करेंगे देखिए, क्योंकि आपको पता है लिंक ये बनना है हमारा यू आर एल, ठीक है, इस यू आर एल को हम हमें मैप भी करवाना पड़ेगा हमारे यू आर एस डॉट पी वाई में। तो ये काम बहुत प्राइमरी काम है, जंगल में आप करवा चुके हैं, तो मैं इसका यू आर एल वहाँ पर बनाऊंगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, पाथ को वहाँ पर पेस्ट किया, और मैं जल्दी से इसको वहाँ से कट करके और कंपनी डेटा ये जो है दोनों में इसको पेस्ट कर देता हूँ। दोनों जगह पेस्ट हो गया, मुझे व्यूज़ में जाके इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये भी आप जानते हो। तो मैं व्यूज़ में गया, वहाँ से मैंने यू आर एल कर दिया, मुझे इसके व्यूज़ डॉट जो मैंने फंक्शन का नाम लिया इसको मुझे यहाँ पर बनाना भी पड़ेगा। तो डिफाइन किया मैंने व्यूज़ व्यू एम्प्लॉय डेटा, और रिक्वेस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ। अब जैसे ही आएगा तो मैं चाहता हूँ रेंडर हो जाए एक एच टी एम एल फाइल में, तो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, ये पहला आर्ग्यूमेंट लेगा, उसके बाद वो एच टी एम एल फाइल का नाम, और एच टी एम एल फाइल हमारी व्यू एम्प्लॉय डेटा डॉट एच टी एम एल, ये फाइल का नाम है, ठीक है। अब ये फाइल तो हमारे पास है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मैं इस फाइल को क्या करता हूँ बना लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने टेम्पलेट के अंदर, और मैंने ना न्यू फाइल नोट फोल्डर, मैंने जो टेम्पलेट है इस पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, इस पर मैं व्यू एम्प्लॉय डेटा डॉट एच टी एम एल, डेटा या इंफॉर्मेशन कुछ भी लिख सकते हैं, तो एच टी एम एल इस पर मैंने क्लिक किया, और व्यू एम्प्लॉय डेटा इस पर आ गया, व्यू एम्प्लॉय डेटा। और यहाँ पर मैं पहले एक बार देख लेता हूँ कि ये पेज आ रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्यू एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, इतना मैंने लिखा। अगर ये एच वन प्रिंट होता मतलब टैग आता मतलब ये फाइल आ जाती है, मैं इस बात का सबूत होगा। तो मैंने सारी फाइल सेव कर दी, मेरा सर्वर यहाँ पर रिलोड हो रहा, और ये रिलोड होते ही हम जाते हैं अपने एच टी एम एल पेज पर, ये मेरा सर्वर रिलोड हो गया। अब मैं अपना ये पेज रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया पेज, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। और देखिए व्यू एम्प्लॉय डेटा नाम का जो मतलब पेज है वो जो हमने बनाया था वो आ गया, और वहाँ पर एच वन से लिखा हुआ भी आ गया है। अब हम चाहते हैं ये नहीं आया लिखा हुआ, जो ये सारा डेटा है और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो डेटा है पूरा, अभी तो नेम आ रहे हैं वहाँ प्रिंट होकर, क्योंकि वो टेबल के नेम हमने ऐसा डिफाइन किया हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो उनके अंदर एक्चुअल में सारा डेटा है, ठीक है। जैसे नीतीश की इन्फॉर्मेशन में देखूँ तो ये नीतीश की इन्फॉर्मेशन यहाँ खुल गई है, और देखिए एम्प्लॉय आई डी एज फोन सिटी रिजेक्ट वही है जो यहाँ पर हमने एक्सेल फाइल में लिखा है, ये देखिए वही है सेम। तो ये सारा डेटा उठ के आ जाए हमारे उस एच टी एम एल फाइल में व्यू एम्प्लॉय डेटा वाली। तो क्या करेंगे उसके लिए, अब देखिए यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट होती है, तो इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारा डेटा ले लेंगे अपने एच टी एम एल फाइल में। तो देखिए मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ, तो आपको डेटा लेना है एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, अब ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये सर्चिंग में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो डेटा है ये सारा, ये किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में। तो हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा अपने एच टी एम एल फाइल में लाना, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा चाहने के लिए हम इसको बताएंगे पहले कि ये डेटा है किस टेबल में, और वो टेबल है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ओ आर एम का कॉन्सेप्ट है, तो एक टेबल यहाँ पर होना मतलब एक क्लास होना, और हम इसको बताएंगे क्लास कहाँ है। आपको बात समझ में आई? नहीं आई तो देखिए मॉडल्स में हम अपने सारे क्लास बनाते हैं, और ये क्लास होते क्या है, ये डेटाबेस होते हैं, यानी जो क्लास का नाम होता है वो हमारी डेटाबेस में टेबल का नाम बन जाता है, और इस क्लास के डिफाइन सारे मेथड वो उस टेबल के कॉलम बन जाते हैं, किस टेबल के, इसी टेबल के। यानी ओ आर एम का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ओ आर एम का कॉन्सेप्ट जेंगो में है, जावा के जो फ्रेमवर्क है उसमें स्प्रिंग में है, पाइथन का जेंगो में, तो हम ये जेंगो देख रहे हैं। तो इसमें देखिए जो ये क्लास है एम्प्लॉय क्लास, यही हमारी टेबल का नाम है, और ये सारे एम्प्लॉय आई डी नेम एज फोन सिटी ये हमारे उस टेबल के कॉलम के नाम है एम्प्लॉय क्लास टेबल के, ठीक है। अच्छा तो हम चाहते हैं एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लेना, अब एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमें ये तो जिक्र करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, तो हम कहेंगे वो एम्प्लॉय क्लास टेबल में, बस हमें इतना ही बताना है इसको कि भैया एम्प्लॉय क्लास टेबल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें एम्प्लॉय आई डी नेम एज फोन सिटी होगा, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एच टी एम एल पेज में चाहिए, जैसा हमने सोचा वैसा ही हमें बताना भी पड़ेगा। तो हम चलते हैं व्यूज़ में, क्योंकि हम व्यूज़ में ये सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो एच टी एम एल फाइल मतलब ये जो टेबल है एम्प्लॉय क्लास, ये हमारी एक टेबल है जिसमें सारा डेटा मौजूद है एम्प्लॉय का। तो हमने कहा एम्प्लॉय क्लास टेबल में
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है तो इसको भी हम बताते हैं। तो देखिए हम इसको बता देते हैं, एम्प्लॉय क्लास टेबल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट मतलब अपने शायद करंट वाले प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट नंबर 4 में, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब यानी एम्प्लॉय क्लास टेबल में ऑब्जेक्ट्स एस भी लगाया मैंने, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट, तो देखिए जंगो में हर एक रो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये पूरी रो एक ऑब्जेक्ट हुआ, यानी इस टेबल, टेबल क्या है एम्प्लॉय टेबल, इस टेबल के कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ये नहीं है सिर्फ एक, ये सेल, ये पूरी रो यहाँ तक, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये कहलाता है यहाँ पर जेंको में ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से 9 रिकॉर्ड है तो 9 ऑब्जेक्ट हुए। यही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एम्प्लॉय क्लास में से एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स यानी सारे ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जो और बता दिया हमने सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है इतना लिख दिया। और ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या होंगे, कॉपी होकर हम इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, और उस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय डेटा। तो इससे क्या होगा, वो सारे रिकॉर्ड उठ के एम्प्लॉय डेटा में आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले जो हमने डेटाबेस में स्टोर करे थे सारे रिकॉर्ड, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन उठ के हमारे ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे एम्प्लॉय डेटा, हम उसी को प्रिंट करवाएंगे एचटीएमएल में। अब देखिए, अब आपने व्यूज डॉट पी वाई, क्योंकि एक पाइथन फाइल है, इसको अपने एचटीएमएल फाइल में लाने के लिए क्या करते हैं, तो एक सिंटेक्स है उसको देखिए, क्योंकि जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो हमारे एम्प्लॉय डेटा में आ चुके हैं, अब इसी को ही हमें अपनी एचटीएमएल फाइल में दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना तो पड़ेगा ना कि हमारे एम्प्लॉय डेटा में जो सारा डेटा है, तो जैसे हम यहाँ एचटीएमएल फाइल का नाम लिख रहे हैं पूरा, इसी तरह से हम इसी फाइल में हम ये डेटा को पास करेंगे, और डेटा को जब हम इस पूरे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को पास करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल में है, तो इसलिए हम इस वेरिएबल को ही पास कर देंगे अपने एचटीएमएल फाइल में। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को ही पास कर दिया मैंने, ना कॉमा लगाया, और वेरिएबल को अपने एचटीएमएल फाइल में पास करने का जो सिंटेक्स है वो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाकर सिंगल कोट में इस वेरिएबल का नाम लिखना, ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन कॉलम के बाद जो आप लिखोगे वो यही सेम वेरिएबल का नाम होना चाहिए जो यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ पे आप जो लिख रहे हो वही आप एचटीएमएल फाइल में लिखोगे। तो अभी मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ आपको। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं व्यू एम्प्लॉय डेटा नाम की एचटीएमएल फाइल है, यानी हम यही तो चाहते हैं कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है व्यू एम्प्लॉय डेटा पे जैसे क्लिक हो तो सारा डेटा दिखे, तो इस एचटीएमएल फाइल में ही हम वो वेरिएबल लाना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं इस मॉडल्स को बंद करता हूँ, व्यूज़ में आया देख, ठीक है मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों फाइलों को खोल लेता हूँ अपनी एक एक करके। तो व्यू एम्प्लॉय डेटा एचटीएमएल को मैं एक तरफ खोल लिया और इसको मैं ना खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है हाँ, तो देखिए आपने जो यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा है इसको तो आप कॉलम के बाद यहाँ पर लिखना, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, इस ये वाले नाम को चेंज कर सकते हो, अभी मैंने सेम लिखे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया इस यहाँ पे जो नाम है आपको वही नाम यहाँ लिखना होगा, इसी तरह से आप अगर आपने यहाँ पे जो नाम लिख दिया वही आपको एचटीएमएल फाइल में वही नाम लिखना होगा जिस फाइल में आप शो करवाना चाह रहे हो। मैं इस फाइल में शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा, और एचटीएमएल फाइल में पाइथन वेरिएबल को अगर आपको दिखाना है, पाइथन वेरिएबल की वैल्यू को आपको दिखाना है, तो आप लगाओगे डबल कोट अपने एचटीएमएल फाइल में और उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे एम्प्लॉय डेटा, और वो जो नाम होगा वो वही होगा जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये वाला नाम, ठीक है, ये मेरे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है भाई, DATA एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, यहाँ जो आपने नाम लिखा है वही आपको यहाँ लिखना होगा, और यहाँ जो आपने नाम लिखा है वो एग्जैक्ट यही होना चाहिए, ठीक है, अभी सेम हो गए तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। इस तरह से आप पाइथन वेरिएबल को यूज करोगे अपने एचटीएमएल फाइल में डबल कोट में, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि मैंने वो H1 हटा दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको H1 के अंदर लिखो, किसी भी एचटीएमएल टैग के अंदर लिख सकते हो जिसमें आपको लिखने की ज़रूरत है, आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है किस तरह से लिखते हैं, तो इसमें आपको सर्चिंग इसलिए बताई जा रही है आप इस तरह से पाइथन वेरिएबल को लिखोगे, ठीक है। इस ये कॉन्सेप्ट है जंगो में टेम्पलेट वेरिएबल का, इस चैनल पे आपको जंगो बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें आपको प्रोजेक्ट टेबल की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल उसको भी बेसिक से सिखाया जाता है जिससे आपको दिक्कत नहीं जाए, ये आपने टेम्पलेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेसिक जंगो में, वही है, तो वही है ये चीज़, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ही उठ के हमारे इसमें आई या नहीं, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन तो देखिए सारी आ गई उठ के, गगन, रोहित, आकाश, लेकिन केवल ये नाम ही थोड़ी थे, इनके अंदर तो हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, इनकी एज भी थी, फ़ोन भी थे, सिटी भी थे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ये सब कैसे आएंगे, लेकिन आपने ये तो देखा कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आती है एचटीएमएल में, आने का ये तरीका है। अब हम इसको प्रॉपर वे में देखते हैं कि ये कैसे आएंगे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तब इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। तो देखिए हमने यहाँ से जो सारा डेटा पास कर दिया वो तो आ गया, ठीक है, हमें यहाँ से सिर्फ इतना ही करना है, अब हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका एज क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, यानी इस ये जो एम्प्लॉय डेटा है सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट कर रहा है उसकी, लेकिन हम इसको शो नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हम उसको उस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं कि जिस तरह से वो शो हो पाए। तो
उस चीज़ के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक देख उन्हीं कॉलम के नाम लिखूंगा जिन कॉलम से ये चीज़ हो पाएगी। मतलब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने इनको बंद किया और मैं अपने मॉडल्स डॉट पी वाई को खोल रहा हूँ। व्यू सारी फाइल मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ ये, ठीक इसको रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अपने मॉडल्स खोल लेता हूँ जहाँ जो हमारी मेन फाइल है जहाँ से सब डिसाइड हो रहा। इसको मैंने एक तरफ खोल लिया और ये एक तरफ हो गई, ठीक है बहुत आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए कोई जल्दीबाजी में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए मैंने वेरिएबल का तो जिक्र कर दिया क्योंकि व्यूज डॉट पी वाई से सारा जो इन्फॉर्मेशन इंप्लॉय की जितने भी ऑब्जेक्ट थे हमारे, जितनी भी रो थी हमारी, वो सारी उठ के इसमें आ गई। क्योंकि हमने सिर्फ ये लिखा है तो उन्हें केवल उनके नाम हमें रिटर्न कर दिए हैं, सिर्फ वही नाम जो हमारे डेटाबेस में हमें शो रहे। कौन से ये जो नाम शो रहे हैं तो इन्हीं को ही हमें शो करवा रहा है बाई डिफॉल्ट। लेकिन यकीन कीजिए इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई इस डेटा में, उसकी एज, फ़ोन नंबर, सब कुछ जो ये वाली है ना, एज, फ़ोन नंबर, सिटी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब कुछ आ गए हैं। लेकिन वो शो नहीं हो रही है क्योंकि हम उस तरह से उसको नहीं लिख रहे हैं जिससे कि वो शो हो। अब उसका क्या मतलब है? अब जैसे एम्प्लॉय आईडी में मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी डॉट एम्प्लॉय की आईडी हमें प्रिंट करवानी है, तो मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय आईडी कॉलम को, एम्प्लॉय आईडी कॉलम को। अब मैं यहाँ पर इसको डॉट करके लिख देता हूँ तो देखते हैं होता क्या है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, देखिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो एम्प्लॉय डेटा है ये केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को नहीं ले रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ये मल्टीपल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा है। अब इसके बाद डॉट लगा के अगर मैं एम्प्लॉय आईडी लिख रहा हूँ तो कन्फ्यूज हो रहा है कि ये किसकी एम्प्लॉय आईडी है, तो इसलिए वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप। और जेंगो में फॉर लूप लगाने का जो सिंटेक्स है वो ये है कि आप इस ब्रैकेट में परसेंट का सिंबल, उसके बाद फॉर लिखें, और फॉर में मैंने आप कोई ना वेरिएबल लिखते हो, आप कोर पाइथन में जानते हो, तो उसी तरह से ना मैंने वेरिएबल का नाम लिखा डेटा, ठीक है ये मैंने सी एच टी एम एल फाइल में बनाया। तो ये मैंने लिखा इन इन इनके बाद आप क्या लिखोगे? उस वेरिएबल का नाम जो अभी आप लिख रहे थे, तो अभी उसमें जो अभी हमारा वेरिएबल का नाम था वही आपको ना लिखना है जो आप पास करवा रहे थे। किस वेरिएबल को पास करवाया आपने? तो आपने यहाँ पे करवाया ना एम्प्लॉय डेटा को पास, एम्प्लॉय डेटा को आप पास करवा रहे थे, देखिए। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा को, ठीक है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इसको मैंने पास किया, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। क्या अब होगा क्या? देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट कराता हूँ, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय क्लास जो टेबल है इसकी एम्प्लॉय आईडी को मैं पहले प्रिंट करवा के देखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ देखिए सभी की एम्प्लॉय आईडी आ गई, 23, 34, 21, 12, 65, 33, 87, 67, 32, बिल्कुल वही जो यहाँ पर है। देखिए 23, 34, 21 देख रही है, 34, 21, 12, 65, 12, 65, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है 32 तक इसकी, ठीक है ये। अब इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर लिखी है, अगर मैं नेम लिख दूंगा, और यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ना नेम, ये भी बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपने मॉडल्स में लिखा है यहाँ पर नेम, ठीक है ये जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है ये बिल्कुल वेरिएबल का नाम यहाँ पर भी वही सेम होना चाहिए, तभी वैल्यू आ पाएंगी। अब मैंने नेम लिख दिया तो सबके नेम उठ के आ जाएंगे, अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिए गगन, रोहित, आकाश, समीर ये सब उठ के आ गए, समझ में आया? तो मैं क्या करता हूँ इसको H1 टैग में लिख देता हूँ, इससे क्या होगा ये न्यू लाइन में आ जाएंगे। हम चाहें तो BR टैग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा बोल्ड होकर आए, तो मैं कुछ नहीं करके इसको मैं H1 टैग में डाल देता हूँ, ठीक है वरना ब्रेक टैग भी लगा सकते हैं BR टैग, ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया H1 टैग के अंदर, क्या होगा ये नेक्स्ट लाइन से आएगा और बड़े बड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा हमें दिखेगा, जैसा H1 का बिहेवियर है उसी तरह से हमें दिखेगा। देखिए गगन, रोहित, आकाश, मनीष, ये सारे तनुज, मतलब सारे रिकॉर्ड आ गए। हम चाहते हैं केवल ये नहीं, हमें सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी उसकी एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, फोन, सिटी, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे उसी वे में हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास वेरिएबल है, यानी उस टेबल में 5 ही हमारे कॉलम होंगे। तो मैं 5 H1 बना देता हूँ, H1, देखिए VS कोड में और नया तरीका है इसको बनाने का, H1 मुझे चाहिए और मुझे 5 चाहिए क्योंकि एक बना लिया तो हमें 4 चाहिए, इंटू कर दो 4 से, 4 आ गए देखा आपने। और एल्ट बटन दबा के मुझे दूसरे नंबर पे चाहिए, वही आ गया दूसरे नंबर पर। और ना मुझे चाहिए डेटा डॉट नेम, इसको मैं बताता हूँ ये डेटा कर क्या रहा है यहाँ पर वेरिएबल, इसको भी मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर चाहिए मुझे एम्प्लॉय की आईडी, डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम हो गया। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ से एक साथ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं डेटा डॉट, यहाँ मैं लिखूँगा एज, फोन, सिटी, ठीक है एज, फोन, सिटी। तो मैंने इनको तीनों वेरिएबल को एक साथ कॉपी किया, एज, फोन, सिटी, और मैं डॉट के बाद तीनों को पेस्ट कर दूंगा, मैंने किया कंट्रोल V, तो ये आ गए।
तो आप देख रहे होगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये इतना स्मार्ट तरीका कोड लिखने का। तो वीएस कोड का यही फीचर है, तो मैं अपने कई वीडियो में आपसे कह चुका हूँ इसका यूज़ कीजिए। तो देखिए हमने सारा कर दिया, अब हम देखते हैं होता क्या है। ये सारी जो टेबल हमने देखी थी एक्सेल फाइल में, ये हमारे एचटीएमएल पेज में प्रिंट होती है कि नहीं, हमारे डेटाबेस से। तो मैं क्या करता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। सारी प्रिंट तो हो गई, लेकिन वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई है H1 टैग के कारण। ठीक है, तो H1 जो है वो इनलाइन टैग है, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है एक भी डेटा उन्होंने प्रिंट किया। तो हम इसको अगर रोकना चाहते हैं तो मैं H1 की जगह मैं स्पैन टैग का भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। स्पैन टैग का मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। देखते हैं उसको, मैंने लिखा स्पैन, देखते हैं इससे होता है नहीं। हाँ देखिए उससे हो गया, और सारा ही रिकॉर्ड एक एक लाइन में प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसके बाद ब्रेक टैग लगा देता हूँ, BR टैग। अगर आपने Project 4 देखा तो वहाँ हमने टेबल टैग लगाया था, तो आप वो भी लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा सर्चिंग का, तो अभी मैं सिर्फ ऐसा ही कर रहा हूँ इसको। तो मैंने ब्रेक टैग लगा दिया, अब देखते हैं अब ये टेल फॉर्म में हमें दिखेगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये हर एक लाइन ब्रेक लगाऊंगा तो ये होगा ही ऐसा। इनको मैंने हटा दिया, केवल लास्ट लाइन में मैंने लगाया। ठीक है, तो अभी हमें टेबल फॉर्म में दिखेगा, ये देखिए 23 गगन 45, और ये इसका फ़ोन नंबर और ये इसकी सिटी। ठीक है, इस तरह से हमें दिखे सारे डेटा। तो ये स्पैन टैग की वजह से हमें दिखा है सारे डेटा। अब इस पर CSS अप्लाई करके हम इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम फिलहाल आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, देखिए हमारे जो डेटा बेस में सारा डेटा था उसको हम अपने HTML पेज पर लेके आए। तो ये पहली सर्चिंग की टेक्निक है, यानी पहली मतलब बहुत ही एलिमेंट्री बहुत ही बेसिक टास्क है, डेटा बेस में जितना डेटा उसको अपने HTML पेज में लाना। तो इस वीडियो में आपने वही देखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टैटिक जो कंटेंट है आप लिख दो, एम्प्लॉय की आईडी, इसके ऊपर एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज, फोन नंबर, सिटी, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखें तो ये चीज़ आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी पहले आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने भी इम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन द्वारा किया, तो देखिए द्वारा आ गया, तो ये अभी आएगा क्योंकि हमने इसकी कोडिंग कर दी। तो हम इसके लूप के फ्लो को समझ लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या, आप जानते हो एम्प्लॉय आईडी में सारे वेरिएबल का डेटा, यानी जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे सबका डेटा है, सारे ऑब्जेक्ट का डेटा था, सारे रिकॉर्ड का डेटा था, जो भी मैं बोलूँ आप ये समझिए जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय टेबल में, उन सबका हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी एम्प्लॉय डेटा नाम के वेरिएबल में। मैंने लिखा इन मैंने फॉर डेटा इन एम्प्लॉय डेटा, यानी उस एम्प्लॉय डेटा में जितने भी डेटा उनको एक एक करके डेटा नाम के वेरिएबल में असाइन होंगे इन ऑपरेटर के कारण। आपने कोर पाइथन में पढ़ा होगा, यानी एम्प्लॉय आईडी में क्या था, हमारे पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आई, फिर दूसरे एम्प्लॉय की आई, तीसरे एम्प्लॉय की आई, इस तरह से आती गई। तो जैसे ही पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आई वो उठ के डेटा नाम के वेरिएबल में आ गई, पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही आई उसकी एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, फोन, सिटी प्रिंट हुई। फिर लूप चला, फिर दूसरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आई, फिर वो डेटा नाम के वेरिएबल में आई, वो प्रिंट हो गई। फिर तीसरे एम्प्लॉय की आई, वो डेटा में आई, वो प्रिंट हो गई। इस तरह से जब तक प्रिंट होती गई, जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई, और लास्ट में क्या हुआ, एंड फॉर हमने लगा दिया जिससे कि लूप एंड हो गया। तो ये HTML में लिखने का सिंटेक्स है फॉर लूप, और इस तरह से आप लिखोगे। तो आपने ये भी चीज़ यहाँ पर देखी सर्चिंग की कि किस तरह से हम HTML में अपना डेटा लेकर आते हैं। तो आप कितनी बार कर लीजिए, सर्वर ऑफ कर दीजिए, या ऑटोमेटिक डेटा आएगा अगर डेटा बेस में एग्जिस्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही कि आपने देखा कि किस तरह से डेटा हम लाएंगे अपने HTML पेज में। अब इसकी बहुत सारी टेक्निक है सर्चिंग की, तरह तरह के हम सर्चिंग करेंगे यहाँ पर डेटा को लाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और थैंक यू इस वीडियो के लिए।